हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे सब सेफ होंगे, गर्मी से बचे हुए होंगे। तो गाइस, सुबह का टाइम हो गया है, टाइम हो गया भाई 9:30, और मैं लगाने लग रही थी आटा। मैं कहा पहले रोटी की तैयारी कर दूँ और फिर सब्जी का बाद में देखेंगे कि कुछ बनानी है। पहले मैं आटा लगा कर रख दूँ इतने, क्योंकि गोलू उठे पीछे तो फिर आटा मेरे लाग नहीं सकता। लेकिन ये मैंने जल्दी कर रखी है आटा लगाने का। मैंने ये मंगवा रखा है ना आटा मेकर, इसमें बहुत जल्दी आटा लग जाए, परफेक्ट आटा लग जाए। तो ये यो देख लो इसमें आटा लगाया, बिल्कुल सही आटा लग गया है। तो मैं भी आटा लगा लूँ हूँ और फिर ये शायद इबे भी अंदर सोने लग रहे हैं इस रूम में। गोलू भी, डुगू भी और उसके पापा भी, तीनों सोने लग रहे हैं। ये उठेंगे फिर उसके पीछे उनका पूछूंगी मैं खाने पीने का केप लेने। मैंने इस मारे आटा लगाया कि अगर उन्हें रोटी खानी होंगी ना तो फिर बाद में ना लगाना पड़ेगा इस मारे। यार अगर उनका और कुछ खाने का प्लान हो तो आटा ये लगा कर रख दूँगी, फिर बना लेंगे कुछ। तो उनसे पूछेंगे कि कुछ खावेंगे। और इसमें शायद उनका वह थे कि मैंने जाना ट्यूशन पे, क्योंकि ट्यूशन सेंटर की छुट्टी ना हो रही है, अकेडमी पर जाना पड़ेगा बच्चे पढ़ाने खातर। तो वही ट्यूशन पर जाते होंगे तो फिर बताऊँगी मैं अपना जो भी रूटीन रहेगा। आप लोगों ने लास्ट तक देखी कि कुछ रूटीन रहेगा हमारा, तो मैं कर लूँ। बस मेरा पोचा लगाना रह रहा है तो मैं पोचा लगा लूँगी, ठीक है। तो मैंने 2-4 रोटी बनाई थी और फिर बाद में यही हूँ बोले कि मैं ट्यूशन पर आए पीछे रहना, गर्मी ज़्यादा हुआ है, फिर गर्मी में रोटी नहीं खाई जाती। तो एक काम करी, नमकीन चावल बना दिए, रोटी खा के चले गए। मैं कहा ठीक है। और फिर मैंने सोची, मैं कहा बच्चे सोने लग रहे तो बच्चा खातर कुछ सरप्राइजली मैं बना लूँ। तो मैंने बच्चा खातर बना दिया है, ये देखो भाई, देसी घी का चूरमा। किस किसने पसंद है चूरमा कमेंट करके बताइए। मैंने चूरमा कौन कौन राजी होकर खाया करे। अरे यो देखो, इतनी देर में यो उठ कर भी आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। उठ गया है, चूरमा खाएगा? नहीं दे, मैंने इस खातर इतनी खुशी होकर चूरमा बनाया, गरम गरम रोटियां माथ जलाए और उठते ही मुंह बना लियो। नहीं, मैं का तो चूरमा पसंद ही नहीं है। कोई नहीं, थोड़ा सा तो खा लेगा ये, अगर इसने पसंद होगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर गोलू ने तो पसंद है, गोलू तो खुश होकर खाया करे चूरमा। और भाई बिल्कुल देसी घी में बनाया है भाई, गजब का। सो गाइस, ने तुम्हारी को ना सेटिंग समझ में नहीं आ रही कैसे करनी है। अब एक बार इस कमरे में और अब उस कमरे में लगी हुई है। घर पे रेस्टोरेंट जैसा फील आया? यस। तो ये देखो भाई,
अगर आपके बच्चे भी बाहर जाने की जिद करें तो गर्मी में बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। बर्फ मैंने इसके अंदर इसलिए नहीं डाला। ये देखो गाइज, टाइम हो रहा है 11:30, सुबह के 11:30 हैं, और हमारी गोलू ने देख लो कोई मूड नहीं होता इसका उठने का, लेकिन इसका उठाने का क्या तरीका हमने मैंने कर दिया है। एसी बंद हो गया, अभी इससे कहवाँगे कि लाइट गई जब उठेगी। उठगा बेबी, ये इसका कोई मूड नहीं है, तो इसने अंगड़ाई आवेंगे देखियो। इस मारे मेरा सारा काम हो गया, और लाइट जलाऊंगी, अब इसके रिएक्शन देखिए। ओ ओ ओ गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग बेबी, ले तू गुड मॉर्निंग, क्यूट बेबी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और इसने इसका ये जो पिल्लो साथ में पड़ा है ना, मैंने को इसकी जान बस है, इसने इसकी माँ बराबर है यो। इसने ना मम्मी बाहर जा रही हो ना, देखियो इस पिल्लो ने ना यूं चेप का पूरी रात इस पिल्लो ने एक साइड यूं चेप कर रखा है करती। कोई कोई है ये इसकी। यार इसका नाम रखना क्या इसने, को कोई को कोई। गोलू इधर देखो, गोलू ये क्या है, क्या है ये, को कोई, गुड मॉर्निंग, हेलो, इसका ही मूड नहीं है भाई बोलन का। ये देखो इसने जुमाई आने लग रही है, क्योंकि मैंने जबरदस्ती उठाई है, एसी बंद कर गया ना, तो ये 1 बजे तक पहले उठने वाला मैं तो नहीं थी, और मैं 20 मारे उठाऊं के या उठे पीछे, और फिर वो हो जावे कि या उठ ले ना, तो थोड़ी बहुत देर दिन में ही हुआ कि मेरा काम हो जावे, मैं भी फ्री होकर मैं भी लेट जाऊँ ना धोकर। लेकिन इसका क्या होगा कि या इस टाइम उठकर या सोती है कौन दिन में, या सीधी शाम ने नहीं, रात ने सोवेगी, शाम तो इसके नाम की दोपहर और शाम तो होती है कौनी, सुबह तो इसकी सोन में चली जावे है, दोपहर और शाम इसकी खेलन में चली जावे, सो की सीधी रात ने 12-1 बजे। तो ठीक है, मैं इसने कुछ खुवा पह लू हूँ। सो गाइस अभी ने तुम्हारे से बना रही है चावल, अब भूख लगी, पहले इनको चूरमा खिला दिया, फिर इनको गुलाब जामुन खिला दी, अब इनको इसको कॉफी पिला दी, अब इसको भूख लगी इसलिए चावल और वापस तो मासी कुछ कर रही है, क्या कर रहे हो? चावल धो के लाई हूँ। चावल धो के लाई है अभी निक तो मासी, और अब इसके अंदर जाएंगे ये चावल और सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल रखा, और सब कुछ इन्होंने इसके अंदर डाल रखा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था। तो भाई ये टाइम हो रहा है 6:30-7:45 का टाइम हो रहा है, शाम का टाइम, और मैं ना धो के अमोलिया रेडी, मैंने लोवर टी शर्टें पहने, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, नए सूट पहन कर तैयार होकर जाने का कोई फ़ायदा नहीं इतनी गर्मी में, बेशक 7 बजे हो रहे पर गर्मी इतनी है ज़्यादा है, और वे नीचे जा लिए तैयार होकर, डुगू भी, गोलू भी और उसके पापा भी, और मैंने ले लिया उसकी पानी की बोतल, ग्लूकोज डाल के पानी की बोतल ले लिया उसकी, क्योंकि दोनों बच्चा थी गर्मी में, गर्मी ना पड़ जाए। एक बार हम मार्केट में जाया हुए हैं, मतलब छोटा सा काम था, कल मावस है ना, तो गम में जाना प्रसाद वगैरह ले आना हमने, तो निकल ले मैं इब, और फिर मार्केट में आज दिखाएंगे अपने गर्मी में क्या हाल चाल मार्केट के। तो भाई हम मार्केट में निकल लिए हैं घर से, और ये देखो गोलू की लुक, हेलो बेबी, देखो माच रहा है पूरा, इसने कैप उतार दी, जानबूझ कर परेशान करने लग रही है ना, तो इतनी आराम से कैप पहन रखी थी इसने, देखियो ये वीडियो शूट होने लग रही है ना, ये कैप पहनने का नाम नहीं ले, वरना तो इतनी प्यार तक कैप पहनी थी। हेलो बेबी, ऐसे बोलो हेलो मामाम, मामाम कर दे सभी को, देखो मामाम कर दी गई इसको, और ये देखो भाई मिस्टर बीजी, ये भी व्लॉग में आ गए, 1% भी खुश नहीं है, एक बार भी नहीं आते एक बार भी, और उन्होंने कहा दोनों आप बना लो, तो इनका मतलब ही नहीं बन, तो गर्मी हो रही है, बाहर हो रही है, नू रखे जाओगे कति भी, यही इनका मेरा नहीं किए हो रहा है, ये भी इनका कति व्लॉग मान का जी नहीं करता। और ये देखो मेरा डुग्गा राम, क्या हो गया, कुछ तो हुआ है आज, आज डुगू पीछे बैठा है, कल जब हम जाते थे ना पार्क में तो डुगू आगे बैठा था, क्योंकि पीछे बैठ कर ना गोलू ने इतनी परेशान कर दी, पापा मम्मा आगे मम्मा आगे मम्मा आगे, बार बार आगे जाने की कहती थी, तो आज मैं आगे ही बैठ गई ना, तो वह परेशान ज्यादा कर दे, अगर धूप होती ना तो मैं पीछे बैठा करूँ, क्योंकि आगे तो सीधी धूप आवे है, तो मैं फिर तो मैं पीछे बैठा करूँ, चाहे हम दोनों बेशक ना हो, तो चल पड़े है मार्केट में। क्या लेके आएगा बेबी, बेबी तो चिज्जी लेके आएगा भाई, बेबी तो चिज्जी खाने जाता है हर जगह पे है ना, पहुंच जावे है। तो भाई मार्केट का जो हमारा काम था वो हो गया था,
प्रसाद अभी बनना दे के आए क्योंकि अभी प्रसाद बनाने रखा था। आज बुधवार है ना, मंगलवार को तो वैसे सारे प्रसाद मिल जाते हैं हमें। लड्डू लेना, मोटी बूंदी लेनी हो, जो भी कुछ लेना हो तो सारा सब कुछ मिल जाते हैं। तो अभी हम थे आगे की तरफ अंबेडकर चौक पे, तो डुगू बोला चाचू मुझे कुछ खाना है, तो बोले क्या खाना है तू बता, बोले कि कुछ अच्छा सा हो जाए। तो ये ले आए अपनी फेवरेट जगह पे अपना फेवरेट खाना खिलाने, यानी कि साउथ इंडियन। ये देखो अपने देखते भी होंगे, ये रे साउथ इंडियन स्पेशल डोसा, इतना टेस्टी डोसा है, आ रहे इतना क्रिस्पी, इतना करारा, इतना टेस्टी डोसा है ना इनका, मतलब गजब का है। मैंने पूरी रोहतक में मैंने किसी का डोसा पसंद नहीं, मैंने सिर्फ इनका डोसा पसंद है। और रेट भी इतना रीजनेबल है इनका, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया में आप मसाला डोसा खा सको, बहुत टेस्टी है। और इनकी सर्विंग स्टाइल जो होगा ना मैं वो आपने दिखाऊंगी, सच में बहुत अच्छा है। देखो शक्ल से देखो कितना करारा, कितना टेस्टी है, बिल्कुल एक नंबर का टेस्ट है। ये इनकी मीठी चटनी है, गरम है, ये इनकी नारियल चटनी है और सांभर है। सांभर अनलिमिटेड है, नारियल चटनी अनलिमिटेड है। और वैसे इसमें ना पनीर वाला डोसा, मतलब नॉर्मली मसाला डोसा, उसके अंदर भी पनीर डाल रखा है। और हमने 2 प्लेट डोसा लिए हैं, 1 प्लेट इडली भी ली है, 1 प्लेट इडली वो भी आएगी। खाना स्टार्ट कर, किसका टेस्टी है, करारा है, करारा है। अभी फीडबैक देगा डुगू, बताएगा कैसा है, बताओ कैसा लगा। बढ़िया है, इसको भी पसंद आया भाई, तो मैं गोलू ने भी खिला लू हूँ। और यो हेल्दी हो, यो मैं भी खा सकूं। गाइस डोसा इसने खा लिया था, मैं तो यूं कह दिया हमारा लगभग पेट भर ही गया है। और इसने बोला कि मतलब जाते जाते यूं बोले कि अंकुर यूं बोले ना यहाँ पे ये जो विजय के मोमोज है ना ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो डुगू बोला एक बार हो जाए आपके मोमोज फेवरेट वाले, फेमस वाले मोमोज ट्राई। तो डुगू कर रहा है, कौन से वाले मोमोज है ये? स्टीम्ड मोमोज है, इसके फेवरेट है। और अंकुर यूं कह रहे हैं कि ये रोहतक के फेमस है, तो ये इनको ट्राई कर रहा है भाई, टेस्ट बताएगा अभी कैसा टेस्ट है। अभी ये गर्म है तो ये टेस्ट बताएगा कैसा है। क्या ओ अभी ये खा के बताएगा आपको कैसा है। बढ़िया गाइस, ये आपको ट्राई करना चाहिए, अच्छे हैं। तो भाई डुगू का फीडबैक आया है कि विजय के मोमोज जो इतने फेमस है ना सच में ही अच्छे हैं भाई, आपको भी ट्राई करने चाहिए। तो अगर रोहतक आओ या फिर रोहतक वाले देखो, मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसको खा सकते। अगर रोहतक में हो या फिर रोहतक वाले अगर बाहर से हो तो भाई रोहतक आओ तो विजय के मोमोज जरूर ट्राई करियो भाई। तो डुगू ने मोमोज मांगे तो इनका भी मन कर गया, मैं भी फेमस। देखो भाई एक बार हटाइयो चटनी, देखो है तो शक्ल तो टेस्टी, सच्ची बताऊं तो ये देखो खिला रहा हूँ, शक्ल तो इतने टेस्टी है। मोमोज लवर आ जाओ जल्दी से और खा लो भाई। तो गाइस हम मार्केट में, लड़ाई सुन रहे सारा दिन नहीं समझ में आती भाई, मैंने यह क्यों रोए जावे सही बताऊं तो। या कुछ मांगेगी मैं मना करूंगी, बेटा नहीं ये चीज बच्चों के लिए नहीं होती, इतनी देर में इसके पापा दे देंगे, फिर यह चुप हो जाएगी। इसकी नुए लड़ाई माचे जाके मम्मी तेरे चीज तो मना कराया यार, पापा तेरे सारी चीज दे दे, मैं चाहे तेरे काम की भी ना हो बेशक। तो अभी हम घर पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं क्योंकि आंधी आ गई है बाहर और हम भाग भाग का आए नहीं जल्दी तय, बाकी हमने एक दो कुछ काम और था, वो काम छोड़ आए अपना। और ये देखो डुगू की तरह है भाई, देख लो हरियाणा के जाट, बेड के ऊपर पिंडा घाल रहे, पिंडे के ऊपर बैठे हैं। हेलो बेबी, पिड्डे के ऊपर मुंडा बैठा है। हेलो बेबी, क्या ले रखा बेबी ने? ये ले रहा बेबी, अब डांस करके दिखा दे एक बार मुझे, देखो मैं डांस करके दिखा दे एक बार मम्मा को, गाइज को डांस करके दिखा दे, डांस देखियो गाइज इसका, डांस करके दिखाओ। मटक के चल लूंगी मैं, मटक के चल लूंगी, देखो 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 स्टेप देखो इसके। और मैंने मशीन लगानी थी क्योंकि कल वीरवार भी हो जाएगा, कल अमावस भी है, तो मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, हमारे है ना इस पे या कंफर्टेबल नहीं है, या मैंने इस पे शीट लगाई थी प्रोटेक्शन खातर के गद्दे खराब ना होंगे, लेकिन गोलू इस सीट के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं सीट चेंज कर दूं। खाना वाना हमने बाहर खा लिया था, बस दूध गर्म करना है और दही जमानी है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, ऐसा लग गया लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल कर दियो सब्सक्राइब। बाय बाय इनकी और करवाऊंगी पापा बेटिया की बाय। ये देखियो मेरा नहीं कित जागा बाय करेंगे, बाय बोलियो एक बार, बाय 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 बोलो बाय।
गोलू का ध्यान है भाई चीजी खाने पे, क्योंकि फ्रिज में चीजी रखी है, बार बार पापा ने पकड़ेगी, पापा चीजी फ्रिज में ले जाएगी। तो ठीक है गाइस, ये हमारा आज का व्लॉग, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर आगे एक और नए व्लॉग में।